हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लेन इन हिंदी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल को एक फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर में बदल सकते हैं। फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर में बोलने का मतलब है कि जिस तरह से कंप्यूटर का स्क्रीन खुलता है, उसमें जिस तरह से ऑप्शंस देते हैं, नीचे एक बार रहता है उस सॉफ्टवेयर से ऊपर में रहता है, उसी तरह से आपका मोबाइल का स्क्रीन भी उसी तरह से काम करने लगेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल कलर का इस तरह का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ पे एक ऐप सर्च करें जिसका नाम है एंड्रोमियम। एंड्रोमियम चूँकि मैं पहले ही सर्च कर चुका हूँ इसलिए मुझे ऑप्शन में दे रहा है, उसे आप सर्च कर लें। सर्च करते ही इस तरह का एक ऐप आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं एंड्रोमियम ओएस बीटा वर्जन में ये दिखाएगा, उसे आप पहले क्लिक कर लें। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे इस तरह का एक पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं इसको 500,000 डाउनलोड हो चुके हैं और लगभग इसका रेटिंग 4.1 है, मतलब ये बहुत ही अच्छी है। आप इसके बारे में यहाँ से आके रीड मोर में क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप पहली बार जब आओगे तो आपका जो हमारा राइट साइड में ओपन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे वहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आप उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर इसी तरह से ओपन का ऑप्शन देने लगेगा और फिर उसे ओपन करें। ओपन करते ही इस तरह का वो अपने सेटिंग्स में कुछ बदलाव मांगेगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक ओके बटन दिया हुआ है, उस ओके बटन में आपको क्लिक करना है। ओके बटन में क्लिक करते ही आपका काम कंप्लीट हो गया। अब बस आप अपना जो नोटिफिकेशन बार ऊपर से जो खोलते हैं उसे खोलिए, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ, देख सकते हैं आप। खोलते ही सबसे नीचे आपको एंड्रोमियम ओएस बीटा का एक आइकन दिखेगा, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका मोबाइल पूरी तरह से आप देख सकते हैं कंप्यूटर के जो स्क्रीन है उस टाइप से बदल गया है, यानी आपका मोबाइल आप पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर में बदल चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरह कंप्यूटर में आइकन्स होते हैं उसी तरह से यहाँ पे आइकन्स दिखा रहे हैं आपको, जो नीचे का जो बार होता है वो भी दिखा रहा है आपको सर्च बार। और यहाँ पे आपको कोई भी अपना एप्लीकेशन ढूंढना है तो जो एंड्रोमियम ओएस का जो लोगो दिया हुआ लेफ्ट साइड के सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे जिस तरह कंप्यूटर में सर्च करते हैं उसी तरह से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे ब्राउजर, फाइल एक्सप्लोरर, एंड्रोमियम ऐप्स। उसके बाद अगर आपको अपने ऐप्स ढूंढने हैं तो यहाँ पे सपोर्टेड ऐप्स में देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये काम करते हैं कि नहीं। मैं सबसे पहले गूगल क्रोम खोल रहा हूँ, गूगल क्रोम में क्लिक कीजिए और ये देखिए आपका गूगल क्रोम मेरा खुल चुका है। और जिस तरह से खुलता है सेम उसी तरह से खुला है, किसी तरह का बदलाव नहीं है। अब मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब मैं कुछ अब देख सकते हैं जब कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स खुलते हैं तो उसका आइकन यहाँ पे बन जाता है, इसमें भी बन चुका है। आप देख सकते हैं नीचे सबसे नीचे बार में। अब फिर मैं एंड्रोमियम के आइकन पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये तो थे सपोर्टेड ऐप्स। अब आपको अगर टोटल ऐप्स का लिस्ट ढूँढना है तो यहाँ पे देख सकते हैं अनटेस्टेड ऐप का एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही आपके पास मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारी खुल जाएंगे। आप यहाँ से सारे एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आपका मोबाइल एक फुल्ली फंक्शनल कंप्यूटर में बदल चुका है। आप राइट साइड के सबसे नीचे देख सकते हैं जो ऑप्शंस उसमें दिया जाता है सेम इसी तरह से ऑप्शन दिया रहा है। पहले टाइम देता है यहाँ पे, फिर बैटरी का दिखा रहा है, बेल दिखा रहा है, इसी तरह से मतलब आपका एक जो कंप्यूटर यूज करने का एक्सपीरियंस होता है पूरा एक्सपीरियंस आप इसमें बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपको लगे कि अब मुझे यहाँ से निकलना है तो सिंपल जो एंड्रोमियम का आइकन लेफ्ट साइड के सबसे नीचे दिया है उसे क्लिक करें। क्लिक करके जो लॉग आउट सबसे नीचे ऑप्शन दिया है उसे क्लिक करें। लॉग आउट में जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो एंड्रोमियम ऐप था वो बंद हो जाएगा और आप फिर नॉर्मल जैसे आपका था सेम उसी तरह से हो जाएगा। अगर आपको अगेन अगली बार कभी उसे फिर से एक्टिवेट करना है और यूज करना है
तो आप सिंपल अपना नोटिफिकेशन को नीचे कीजिए, नोटिफिकेशन बार को, और आप देख सकते हैं अभी भी वो ऑप्शन आपका अवेलेबल है। मुझे आशा है कि आप इस तरह से आप सीख गए होंगे कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को फुली फंक्शनल कंप्यूटर में बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के बारे में किसी तरह का सुझाव या सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट्स रोज़ पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ट्यूटोरियल्स लेके हम आते ही रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।